माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग ब्रेक. ये लाइन मैं हर बार बोलती हूँ, आप लोग बोर हो गए होंगे. पर एनीवे पहले इस पे आते हैं. यहाँ पे पहले सिर्फ ये ड्रीम कैचर लगा रहता था, अब यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर भी हैं. अच्छी लग रही है ना वॉल? थैंक यू. वैसे इस वॉल को मैंने इसलिए सजाया क्योंकि मैं यहाँ पे अपने शॉर्ट वीडियोज बना पाऊँ, जो कि मैं रेयरली ही बनाती हूँ. क्या बताऊँ, वैसे टिंकू जिया गबरू सब बिल्कुल भले चंगे हैं, मस्त हैं. और क्या दिखाना था मेरे को, इतने दिन में कितनी सारी चीज़ें हो गई ना दिखाने के लिए. ये मेरी अलमीरा है जिसपे मैंने वाटर कलर से थोड़ी सी कलाकारी कर दी है. मैंने लिखा है लिव टुडे, छोटे छोटे हार्ट्स, और ये कमल के फूल. तो बाकी आज भी हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे एक सेमिनार हो रहा था, तो उसके लिए रेडी होते हैं. तो मैंने यूनिवर्सिटी जाने के लिए सोचा है ये जीन्स और ये शर्ट, बट अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि बात यह है कि कॉलेज वालों ने बोला कि यूनिफॉर्म में आओ. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूनिफॉर्म में जाने से पूरा कॉन्फिडेंस लो जाता है, बिकॉज लाइक आई एम टॉकिंग पर्सनली, ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं सबके बिहाफ पे बात नहीं कर रही, बट मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे मेरे से रिलेट कर पाएंगे. ये कहते कि बहुत सारे बच्चे मेरे से रिलेट कर पाएंगे, बट आई एम, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मुझे अपने कॉलेज की यूनिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं पसंद है. और उस यूनिफॉर्म को पहन के कॉलेज जाना जहाँ पे सारे बच्चों ने वही यूनिफॉर्म पहने हुए, इट्स ओके, ठीक है, मतलब चलता है. पर उस यूनिफॉर्म को पहन के किसी ऐसी जगह जाना जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मैटर करता है आपको स्टैंड करने के लिए, वो मेरे लिए नहीं चलता. मतलब मेरे लिए वो यूनिफॉर्म से मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है. सो वैसे यूनिफॉर्म बोला गया है, प्रेसिडेंट होने के बाद बदतमीजी कर रही हूँ मैं, घर के कपड़ों में जा रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा. ये लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, अब नहीं तो कब. वो ये शर्ट है और रुको मैं कैमरा टर्न करके दिखाती हूँ. जीन्स शर्ट, ये शर्ट बहुत ज़्यादा पुरानी है, मतलब ये जनरेशन से जनरेशन पे जाने वाली शर्ट है. ये मेरी दीदी की शर्ट थी और मेरी बुरी निगाह इस पर तब से थी, बट फाइनली अभी शर्ट मेरी है. थोपड़ा तो सुधार लिया मैंने, मैंने थोप थोप के सनस्क्रीन लगाई, भर भर के सनस्क्रीन लगाई. पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मेरे को आजकल ना बहुत सारे पिंपल हो रहे हैं, छोटे छोटे पिंपल हो रहे हैं, और गर्मियों में मेरे को यूजुअली हो भी जाते हैं, तो मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगा रही हूँ. वैसे भी सनस्क्रीन लगाते हो भाई, क्या मेरे पास मांगी की और चुराई हो कुछ चीज़ें, बट एनीवे मेरे पास है सस्ता फाउंडेशन, मैंने प्रोग्राम के लिए खरीदा था. चलो ठीक है, तो मैंने भर भर के सनस्क्रीन लगाई है और इफ़ यू कैन सी मुझे ऑलरेडी पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है. और लिप टिंट उसी को मैंने हल्का सा चीक्स पे लगा लिया है और मस्कारा, दैट्स इट, नेचुरल ब्यूटी. तो अब क्या करना है, थोपड़ा सुधार लिया है, थोड़ा एक्सेसराइज करना है और हेयर स्टाइल करना है. आई एम ऑलमोस्ट रेडी. मैंने छोटे छोटे से इयररिंग पहने, छोटी सी क्यूट बिल्ली पहनी है और वॉच पहनी है, बस इतना ही पहना है, बस जूते पहनने रह गए. आई एम ऑलमोस्ट रेडी और अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, जब वो आएगी तब अपन चलेंगे. तो प्लान कुछ ऐसा है कि वो मेरे घर आएगी, वो स्कूटी यहीं पे पार्क कर देगी, उसके बाद हम सब लोग साथ में उससे चलेंगे, टेम्पो से जाएंगे, ठीक है, मतलब क्योंकि और भी फ्रेंड्स मिल जाएंगे और सबके पास कन्वेंस है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि सब साथ चलते हैं. तो बस अब मैं उसका वेट कर रही हूँ, वो आ जाएगी तो फिर हम लोग निकलेंगे. बाकी आपको मिलते हैं जब हमें सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे. तो अभी निकल रहे हैं हम लोग अपनी बाकी फ्रेंड्स से मिलने के लिए और सृष्टि मैडम आ चुकी है. सृष्टि से हाय. तो अब बस हम लोग निकलते हैं, फिर आपको रास्ते में मिलते हैं. बाय बाय. बोलो हाय, बोलो हाय. जस्ट अभी हम लोग यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं. इनकी नहीं छोड़ो, ये सारी बातें प्राइवेट रहती है. ये तो एरर भी जाएगा. हाँ मैं बता रही हूँ, जीन सड़क रही है उसकी. अंशिता ये ब्लॉगी है, कास्ट डाइन इन दिस चैनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पता नहीं क्या क्या कर रही है. सस्टेनेबिलिटी एट 75 इंडिया मार्चिंग टुवर्ड्स द
बहुत बहुत अच्छा सेमिनार चल रहा था, पर हमारे काम का कुछ नहीं था, सच में बिल्कुल नहीं था, कुछ नहीं था हमारे काम का, हम सब भाग के बाहर आ गए। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, टीचर्स देखते हैं मेरा ब्लॉग कोई कोई। सही बताओ, सही में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं केपी? कैंटीन। कौन सी वाली कैंटीन? फाइन आर्ट्स। कोपचे वाली कैंटीन जा रहे हैं हम लोग, कोपचे वाली। ये वर्षा के पूर्वज, नहीं ये पूर्वज नहीं है, ये वर्षा के पूर्वज, ये वर्षा। डॉगी अपने साथ, एक दो तीन चार पाँच छ सात डॉगी लेके आई है। ये डॉगी छोटू से तो तुम अभी जो सब सब लोग चाय चाय पे डिस्कशन चल रहा है। हाँ बताओ चाय कैसे बनती है भाई, मुझे तो पता ही नहीं पहले अदरक इवेंट। बहुत अच्छा दिन था, बहुत मजे किए हम लोगों ने, और फ्रेंड्स के साथ कहीं भी जाना बहुत फन होता है, सो बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया। बट अब मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सोई नहीं हूँ, तो मुझे अभी बहुत कस के नींद आ रही है। तो मैं बस मूड होके, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल किया तो मेरे को बहुत मिट्टी मिट्टी मतलब अजीब सा फील हो रहा है, तो बस मैं मूड होके सोने जा रही हूँ। तो अगर मैं टाइमली उठ जाती हूँ, रात के 10-11 बजे नहीं उठती हूँ, तो फिर मैं आगे का शूट करूँगी। बट अगर इसके आगे वीडियो ख़त्म हो जाता है, सो मे बी मैं 11-12 बजे तक सोती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।